गुड मॉर्निंग गाइस, अशर की वेकेशन पे हम पहुंच गए हैं जयपुर से उदयपुर। बट सबसे बड़ी अपडेट, हम आए और बारिश साथ लाए। भाई साइक्लोन आ गया, साइक्लोन। जयपुर में झमाझम बारिश सुबह से रुक रुक कर हो रही है। अशर की वेकेशन हो या कोई भी शुभ काम हो, हमेशा बारिश हो जाती है। हमारे करे कराए पे पानी फिर जाता है। मतलब अभी मॉर्निंग हुई थी, सोचा था आज बहुत मजे करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उदयपुर देखेंगे, बट भाई बारिश इतनी हो रही है और ये प्रेडिक्शन है कि बारिश होती रहेगी, रुकने नहीं वाली। तो मुझे लग नहीं रहा आज हम इस रूम में से निकलने वाले हैं फॉर 24 आवर्स एटलीस्ट। मुझे तो लग रहा है हो सकता है 48 आवर्स भी रुकना पड़े, क्योंकि कोई चांसेस ही नहीं है बारिश रुकने के यार। सब यही बता रहे हैं लोकल्स, पिछले 3 दिन से बारिश, घमासान ताबड़ तोड़ बारिश हो रही है। हर्ष यहाँ पे लगा हुआ है अशर के साथ। हर्ष क्या करे यार, यार अशर के लिए तो बड़ा ही गलत हो रहा है यार। अरे यार सच इसके लिए हम चाह रहे थे चेंज ऑफ सीनरी होगी, ग्रीनरी देखेगा, लेक देखेगा, पैलेसेस देखेगा, पर क्या देखने को मिल रहा है भाई को, वही छत व्हाइट जैसी हमारी छत है और बारिश। हाँ भाई, हाँ भाई अशर, अश्री पश्री डिलीशियस अमूल भाई, क्या करें क्या करें, यहीं रहना पड़ेगा। तू क्या कहता है, चैलेंज करें 24 आवर्स लिविंग इन दिस रूम? हाँ ये कर लो, पहले बाहर नहीं जा सकते। ये तो वैसे भी नहीं जा सकता ये नहीं चाहता ये चैलेंज, बिल्कुल नहीं चाहता। खाना रूम में ही मंगाते हैं यार हर, और वेट करते हैं यार बारिश रुकने का। मेरा अशर हश रहा है, बारिश की जाए। और आपको छोटा सा एक लिटिल टूर देती हूँ। वो आपको हट दिख रही है, बिल्कुल ऐसी एक हट में हम रुके हुए हैं, और यहाँ पे ना सारी कार्ट्स चलती रहती हैं। एक कार्ट हमें भी यहीं पे छोड़ के गई थी। यहाँ से एंटर करो, यहाँ हमारा सारा लगेज बिखरा हुआ है, बहुत मैसिव बाथरूम है। फिर यहाँ से वॉक करते करते यहाँ पे सिट आउट के लिए एक सोफा है, यहाँ से आप बहुत ही प्यारे से नजारे देख सकते हो। यहाँ फिर हमने अपना सामान बिखेरा हुआ है। कौन कौन ऐसे सामान बिखेर देता है रूम में आते हैं, हम तो यही करते हैं। हर जगह हमारा सामान बिखरा हुआ है, वैसे भी अशर के साथ सामान बिखरा ही रहता है। यहाँ पे बड़ा सा टीवी है जिसका कोई यूज नहीं, हम नहीं देखते। और ये एक ड्रूपिंग लाइट है यहाँ पे, बड़ी स्टाइलिश लग रही है यार। किसने कहा सही लग रही है, अभी कुछ भी भाई तू देखियो, बेड के इतने क्लोज है, मेरा सर लगा रात में पता है उठते हुए। यहाँ आपको एक मिनी बार मिलेगी, यहाँ हमने स्टरलाइजर रख दिया है हमारे अश्रु का। इस सोफे में बैठ के एडिटिंग करी थी। यहाँ से बाहर निकल के आप एक बहुत ही बेहतरीन व्यू देख सकते हो। ये पेड़ देख सकते हो, इसके ऊपर मैंगोज लगे हुए हैं, उन पे मेरी बहुत नजर है। हर्ष हमारे लिए तोड़ के लाएगा पेड़ पे चढ़ के। कल लेके आऊंगा, ठीक है यार। एक बार अशर बोल दे बस। अशर बोल तो दिया नहीं, अशर बोल दे मुझे पापा मैंगो। अशर अंगड़ाइयां ले रहा है, सो रहा है आराम से, उठ रहा है सो रहा है, कह रहा है पापा बाहर घुमा के तो लाओ, पैलेस दिखाओ। भाई इतनी भूख लग रही थी, खाना मंगवाना पड़ा, बाहर तो निकल नहीं सकते। ओह बहुत बारिश हो रही है। तो बारिश इतनी ज्यादा है भैया, बस वैन से निकल के रूम तक आए तब भी सारा पानी 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 हो गया है। लंच में एज यूजुअल प्रेरणा ने मंगवाया पिकल चटनी, और साथ में मंगवाई है इसने खिचड़ी। खिचड़ी खा के बड़ी खुश होती है। सैलेड आया है, और ये लोग ना पापड़ देते हैं साथ में, फ्री में पापड़। मैंने अपने मंगवाया राइस और राजमा, तो मैं खाएगा राजमा चावल, प्रेरणा खाएगी खिचड़ी, और अशर एज यूजुअल पिएगा दूध। भाई साहब अभी बड़े मजे से सो रहे थे, शिट सॉरी अशर, सॉरी सॉरी, सोचा फिर से सोचा। भाई मैं इसको कुछ भी कहती हूँ ना, मेरी आवाज सुनते ही एक्साइटेड हो जाता है। और ये देखो, इन सर ने वेट भी नहीं किया, मैं वीडियो डाल रही थी एडिट करके, मेरा वेट नहीं किया कि हमारे जान निकल रही और तबीयत भी खराब हो रही है। वैसे अच्छा ही किया तूने, खा लिया यार, ठंडा हो गया, अब क्या फायदा, एटलीस्ट कोई तो खाना एंजॉय करे। और बाहर का फिर से एक बार सीन दिखाती हूँ, माहौल कैसा है। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही यार। यार मुझे एक बात बता। हाँ क्या? मतलब हम दिल्ली से 13-14 घंटे ड्राइव करके उदयपुर आए किस लिए? नहीं एग्जैक्टली हम करने क्या आए हैं उदयपुर? सिर्फ ऐसे रूम के अंदर से नजारे देखने बनता था, अभी सोचा अशर के साथ ही बना लेते हैं, फिर गई लाइट। क्या हो रहा है यार हर्ष, हम कहाँ आके फंस गए? घर बढ़िया होता है, मैं तो कह रहा हूँ सबसे बढ़िया घर हमारा। फिर कहीं और नहीं जाना ना अब अगली बार हॉलीडे के लिए? नहीं जाना, पक्की बात है ना? नहीं जाना, नहीं जाना, पक्की बात 100%? पक्की बात, नहीं जाना। ठीक है यार, बात तो तू सही कर रहा है, अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। पर मैं सच्ची बता रही हूँ यार, बाहर निकले कहीं पर साइक्लोन का क्या करें? साइक्लोन को तो कुछ नहीं कह सकते ना। लड़की ने मेरे को पागल बनाया। तू लड़की ने, वाह यार वाह, आज मैं प्यारी प्रेरणा से तू लड़की हो गई हूँ। काम कर सकते हैं, अशर को उठा के उसके साथ खेल सकते हैं पता। और एक काम कर सकते हैं, बिग बॉस पे फुकरा इंसान को देखते हैं ना। बात तो तू सही कह रही है, पर वो तो बेचारा बीमार हो गया यार। सीरियसली यार, फुकरा इंसान, ऑल द सपोर्ट टू यू भाई, अच्छा कर, टेंशन मत ले, डर मत यार, यूट्यूबर्स की शान है तू यार, तूने यूट्यूब, तेरे साथ यूट्यूब कम्युनिटी है, हम सब तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड डोंट वरी, बस तू हौसला मत हार, और तुझे ये सब कौन बताएगा, तू तो अंदर बैठा है बिग बॉस हाउस में। बड़ा सैड फील हो रहा है यार, मिसिंग। काम करें, मुंबई चलते हैं अब्बू से मिलने, वो कौन सा हमें अंदर जाने देंगे भाई, क्या पता वहां से आवाज मारे, कुछ माइक वाइक लेके क्या पता वो जाने दे। हाइट भी तो इतनी लंबी है, 6 फीट, क्या पता टैप के आज हमसे मिलने। ये देखना देख, उदयपुर तो आगे, हम आधे ज्यादा रास्ता कवर हो गए, 5-6 घंटे का रास्ता है बस यहां से मुंबई। बात तो तू सही कह रहे, वैसे कौन कौन चाहता है मुंबई
जाए बिग बॉस हाउस के बाहर से अब्बू को सपोर्ट करने, कमेंट्स में जरूर बताना। और बाय द वे मैं बताना चाहती हूँ टॉप सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस वीक जो कि हैं पूनम नंदन हैदर गरिमा हर्ष आकृति सेवकराम आन्या एंड कात्यायनी। अगर आप भी बनना चाहते हो टॉप सब्सक्राइबर ऑफ नेक्स्ट वीक तो आपको सिर्फ ये बताना आपका फेवरेट रियलिटी शो कौन सा है, रोडी, स्प्लिट्स, विला, बिग बॉस या और कोई भी है, मतलब जरूर बताना मैं कॉमेंट्स में। चलो अब मैं भी खाना एंजॉय कर लेती हूँ, वैसे तो ठंडा हो चुका है खाना, कुछ एंजॉय करने वाला बचा नहीं है खाने में। नहीं हुआ ठंडा, नहीं हुआ ठंडा, कितना सारा खाना खा रही है प्रेरणा, मेरे खाने पे भी नजर लगा दे। मैंने कहा तेरे को कि इतना सारा खाना खा रहा है, ये देख मेरे बेचारे की खाली प्लेट, प्रेरणा की भरी हुई प्लेट, तेरी प्लेट में खा रही हूँ। अबे खिचड़ी खोल, मैंने खोली भी नहीं, गर्म होगी एकदम। हाँ है तो बिल्कुल गरम गरम है। बाय द वे आज तो सच में अपने आप ही चैलेंज हो गया, लिविंग इन द रूम फॉर 24 आवर्स चैलेंज। भाई एक्चुअल में बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये रिसॉर्ट है, मच्छर मक्खी कीड़े इतने हो गए बारिश की वजह से। अगर हम अकेले होते तो हम निकलते, आई मीन दुकेले, बट अभी अशर है ना तो अशर के लिए तो हमें अंदर ही रहना पड़ेगा। स्लिपरी है बाहर और बारिश भी होती है फिर बंद हो जाती है, कोई फायदा नहीं, चांस मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है। चल अब खिचड़ी खा और एंजॉय कर। राजमा बिल्कुल घर जैसे राजमा है यार, फिर घर बैठ के ही खा लेती, यहाँ क्यों आई है? मैं भी ये सोच रही हूँ बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्टली। तेरे पता है राजमा चावल और ये खिचड़ी कितने की आई है? पैसे की बात मत किया कर, मेरे को बहुत दुख होता है। ₹2100 का बिल, मैं लाइफ में जितना मर्जी पैसा कमा लूं कुछ भी कर लूं भाई, रहना मैंने वही है, मेरे से पैसे खर्चे ही नहीं जाते मेरे में, आई एम वेरी स्मॉल हार्ट मैन। खिचड़ी अच्छी है पर नमक नहीं है अंदर, नमक दिया भी नहीं उन्होंने, सही में नहीं है नमक। अबे नमक के बिना तो अच्छी नहीं लग रही। कॉल कर फिर, बाय। अशर आज फादर्स डे है, पापा को विश तो कर दो। कह रहा है जीत दिखा रहा है, नहीं पंच कर दे, पंच पंच ही विश है, पंच कर दे, ओए 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 एक पंच कर दे। बेटे कर तो रहा है, देख कितने हाथ चलाता है, पंच करता रहता है। नहीं नहीं जय जय कर रहा है, मेरे को पंच जय। नमस्ते पापा। The next morning. तो बग्गी आ गई है, प्रेरणा कहाँ की तैयारी है? हम जा रहे हैं आज उदयपुर साइट सीइंग करने, जल्दी निकलते हैं, मौसम अच्छा है, इससे पहले कि मौसम खराब हो जाए, बारिश आनी फिर से शुरू हो जाए, जल्दी निकलते हैं। इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं इसके साथ? भाई उसकी आउटफिट ऑफ द डे तो देख ले। प्रेरणा मुझे खुशी है कि वो बारिश और वो जो साइक्लोन आया हुआ था ना वो सब रुक गया। हम्मा घनी एवरीवन, राम राम। आज जा रहे हैं हम उदयपुर एक्सप्लोर करने, निकल चुके हैं, अशर अपनी सीट पे बैठ गया, मैं अपनी सीट पे बैठ गई हूँ, हर्ष आगे हम दोनों को लेके जा रहे हैं। काफी सुहाना सा दिन है। प्रेरणा तेरा दिन सुहाना अब खत्म होने वाला है। क्यों क्या हो गया? भाई गाड़ी नहीं चल रही है, उठी नहीं रही गाड़ी। भाई क्या हो गया यार? भाई फॉर्च्यूनर ने धोखा दे दिया, मुझे लग रहा है इसकी क्लच प्लेटें फूट गई हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, हम तो सीधे रास्ते पे आए हैं, कोई क्लच का काम ही नहीं था ऐसा। यार पर तू तो कहता था कि कभी नहीं हो सकता फॉर्च्यूनर के साथ ऐसा कुछ। पता नहीं यार, एक सेकंड रुक, कोई कॉल आ रहा है शायद सर्विस सेंटर का। हाँ सर, मैंने आपको लोकेशन शेयर कर दी है इस नंबर पे। अब तो मैं आपको एडवाइजर के नंबर टेक्स्ट व्हाट्सएप कर देती हूँ, एडवाइजर से बात कर लीजिए। हर सर्विस सेंटर बात कर रहे हैं, गाड़ी टोकने पड़ी। भाई एकदम से वक्त बदल गया, माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए, पता नहीं कौन सी घड़ी में उदयपुर आए थे, पहले साइक्लोन आ गया, अब मसा मसा हम कहीं निकले हैं तो गाड़ी खराब हो गई है। भाई मैंने पूरी रेस दी है, गाड़ी उठी नहीं रही, गाड़ी उठ ही नहीं रही, अब लग रहा है कि रोड साइड असिस्टेंस बुलानी पड़ेगी। अब लगा दे साइड पे, क्या कर सकते हैं। ना ना हर्ष, क्लच प्लेटें बिल्कुल फूक जाएंगी यार। अरे अशर तेरी पहली हॉलीडे पे क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, गाड़ी नहीं चल रही, रोड साइड असिस्टेंस बुलाई है। हाँ एक बार भैया देख रहे हैं, टैक्सी है भैया की, शायद ही कुछ बता पाए। मुझे तो लग रहा है क्लच प्लेटें गई, आज निकले तो आज गई मुझे। अच्छा इतने कहीं घूमे, घूम लिया अभी? नहीं नहीं गए, आज तो निकले थे। ये तो इतने में तो भाग जाती है। हां भैया खत्म ना क्लच, क्लच का ही मसला है। मेरी कैलकुलेशन तो यही कह रही है क्लच प्लेटें गई हैं इसकी, भैया भी यही कह रहे हैं, हर्ष भी यही कह रहे हैं। लगता है तेरा मन ही नहीं है यार घूमने का, तेरे को सिर्फ होटल ही पसंद आया, होटल में ही घूमते हैं इधर उधर। अब हमने एक डिसीजन लिया है, हम रुक गए हैं लंच के लिए इस कैफे पे, सलीम भैया घुमाने वाले हैं आज हमें। गाड़ी ठीक करा यार प्रेरणा, अब तो दो दिन के लिए गाड़ी गई। हर्ष कह रहा था कि वापस चलते हैं होटल चलते हैं अपना आराम से, अब रूम में चल करेंगे। मैंने कहा अब निकले हैं तैयार होके। एक तो सबसे अच्छी किस्मत है कि कलिम भैया मिल गए रास्ते में, उन्होंने कहा मैं घुमा दूंगा आपको, दो चार अट्रैक्शंस देख लेते हैं उसके बाद ही वापस जाएंगे, अभी बिल्कुल मन नहीं है। गाड़ी टो करने के लिए कोई ना कोई आने वाले टोयोटा सेंटर से, देखो ठीक होती है नहीं होती। ये सब गलत है यार, नई गाड़ी खराब हो गई यार, इसीलिए कहा था गाड़ी में टूर मार ले, अब नहीं मारे ना, वो खड़ी खड़ी खराब हो गई यार। अब क्या होगा यार? अरे हो जाएगी ठीक, घर कैसे जाएंगे हम? पैदल चलेंगे, पैदल पैदल जाएगी दिल्ली, पैदल चलेंगे। उसको पता लग गया गाड़ी खराब हो गई है, सैड हो गया, सैड हो गया, सैड। यार मेरी फर्स्ट वेकेशन पे लेके आए और गाड़ी खराब कर, मतलब क्या हो रहा है इसकी फर्स्ट वेकेशन, कल तूफान आ गया आज गाड़ी खराब हो गई। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। मैं क्या कह रहा हूँ प्रेरणा, घर चले, करें एंड वेकेशन, ही चलते हैं घर, मुश्किलें आती रहती हैं उनसे आगे बढ़ना पड़ता है। बॉस भेज दे तेरे को फिर भाई से मिलने। जीना क्या जीवन से हार के, याद है हर समय गाना गाते थे पहले, काली घनेरी रात में
रोशनी जल जाएगी। ले तेरे नाचोस आ गए। Let's eat। पिकअप वैन आ गई है रोड साइड असिस्टेंस। मैंने गाड़ी थोड़ी एडजस्ट करी है रोड के बीच में करी है ताकि आराम से टो पाए। भाई मैंने नहीं सोचा था नई गाड़ी लेने के बाद भी ऐसा होता है, बट बाहर आके नहीं होना चाहिए था, घर पे होती ना तो कोई दिक्कत। भाई तो गाड़ी जा रही है, बहुत अफसोस के साथ भेजना पड़ रहा है। सर देख हमारी गाड़ी जा रही है, हमारी हॉलीडे रुइन हो रही है, हमारी आंखों के सामने सब खराब हो गया। सर बाय बाय, गाड़ी जा रही है। गई ब्रेना। गाड़ी जाने का दुख इतना है कि आगे कहीं घूमने जाने का मन नहीं कर रहा, पर इसके साथ इतनी मुश्किल से हम प्लानिंग करके निकले हैं, तो अब घूम लेते हैं यार थोड़ा सा। खाना सही है यार, एकदम डिलीशियस। एक बार फिर से हम निकल रहे हैं, इस बार दूसरी गाड़ी में। भाई हम तेको वापस लेके नहीं जा रहे, सैड मत हुई। खाना खा के एक बार फिर से निकल चुके हैं, एक बार फिर से जंग लड़ने जा रहे हैं। देखो आज क्या क्या घूम लेते हैं, क्या क्या मजे कर सकते हैं। अब तो भैया ही घुमाएंगे हमें, जहाँ भी घुमाएंगे भैया बच्चे के साथ, जहाँ भी सही रहे वहाँ ले चलो। ओके बच्चे, पूरी बड़ी बड़ी आंखें खुली हैं इस बच्चे की। तो जस्ट फाउंड आउट कि हम उदयपुर महाराणा प्रताप जी की नगरी में हैं। ये है फतेह सागर लेक, फतेह सिंह जी राजा ने यहाँ के बनवाया था उन्होंने। तेरे को स्विमिंग आती है ना प्रेरणा, कर ले जाके। मैं सोच रही हूँ, ऐसे पानी अच्छा लग रहा है मेरे को। वैसे भी अब हमारी वेकेशन रुइंड होते होते बची है, तो कुछ तो कर ही लेते हैं। अशर सो गया है और अब हम खाने वाले हैं भुट्टा। सबसे पहला स्टॉप लिया हमने भाई लेक साइड, और भुट्टा ना मिले और ना खाए तो क्या ही मजा है। साइट सीइंग लोकेशन पे आए और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। चलो कुछ ना कुछ तो देख ही लेंगे, सिटी पैलेस ही देख लें। राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस देखने आया है आज अशर। वैसे तो बताते हैं आमेर फोर्ट सबसे बड़ा फोर्ट हो गया सर। ये पैलेस है भाई। यार पैलेस के सारे दरवाजे छोटे छोटे बनाए हुए हैं ताकि राजा का अगर दुश्मन आए ना तो टकरा जाए। अबे बताए कॉन्सेप्ट क्या है, वो दुश्मन आवा तो इस वक्त में राजा को मारूंगा, टकराएगा वहीं गिर जाएगा। अगर झुक के जाएगा तो यहाँ पे तलवार होगी अटैक उसको, ऐसे झुक झुक के आना पड़ रहा है। सही है यार, सिटी पैलेस काफी ब्यूटीफुल है। ये जगह का नाम मुझसे ज्यादा नहीं, बाड़ी बोलते राजस्थान में गार्डन को। रॉयल फैमिली यहाँ पर होली सेलिब्रेट करती, बर्थडे पार्टी यहाँ सेलिब्रेट होता, बर्थडे सेलिब्रेशन होती थी यहाँ। 104 मार्बल के पिलर्स पे बना हुआ है। अच्छा। दिखने में साले पिलर सेम दिख रहे हैं, बट आप सभी का कार्विंग देखेंगे डिफरेंट। ठीक है, फाइट होती थी यहाँ पे। ये लंबी वाली वॉल है जहाँ पर नीम के पेड़। नील महल से निकल के हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हर तेरी हालत इतनी खराब हो गई है ना, एक और महल की तरफ। और अशर सो चुका है इतनी बुरी तरह। वाओ व्हाट अ व्यू यार। हर्ष हम तो अशर को लेके आए थे ना उसके फर्स्ट ट्रिप पे, वो तो सो गया है। सही है यार, ये सोता हुआ अच्छा लगता है। भाई ये डीप डीप सीढ़ी है ना, सच में डर लग रहा है उतरने में। खूबसूरत राजा रानी का कमरा है। चुपचाप घर चले, वैसी गाड़ी खराब हो गई है। अशर के लिए बना भाई, तो कॉलर पकड़ के डांस भी करने लग गया अभी से। सोते सोते नींदों में। सही में यार, यार बस करो यार, बस करो, पैलेस देख लिया। एक और भयानक गुफा में से निकलते हुए। एक तो मैं इतना मोटा, ऊपर से अशर इतना मोटा, हम कैसे निकल पाएंगे, फंस रहे हैं। ओ माय गॉड यार, देख रहे हो मतलब सीरियसली, ये क्या मतलब इन्हें घुटन क्यों नहीं होती थी यार। अशर उठ यार, देख क्या हो रहा है हमें। लौट के बुद्धू घर को आए, वापस जा रहे हैं बिना गाड़ी के। ये देख इसकी आंखें तो। Later that same evening. ये क्या हो रहा है यहाँ। तो फाइनली हमारा रूबरू हो गया है, भाई हेलो कर रहे हैं। ये वाला तो मुझे कॉन्टिन्यूसली देख रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। भाई आशीर्वाद देने आए हो या डराने आए हो? आराम से बैठे अपना मौज ले रहे हैं। ओ भाई कह रहा, क्या कह रहा, मुझे फिल्म क्यों कर रहे हो। बाय।